हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। अपने बधा जो टोटल फॉर्म्यूला यूज थवाना छे 12 साइंस में जे मोस्ट मीन्स के आस्वाद्य जे छे आमा आस्वाद्य में पण उपयोगी सूत्र आपने लखाई दीधा छे। तमने हवे आपने अहीं थोड़ू छे तेजे वखते तमे कोई भी वस्तु आदेश लो धारो तो तमने एक खबर पड़ी जवी जोईए कि शुं मारे धारवुं पड़शे, शुं सेट करीशुं। तो अहीं जे आपने के आ स्टेप छे एनुं संकलन मेळवुं કે 3x² છેદમાં x^6+1। હવે અહીંયા કે છેદનો નિયમ જ નથી સંકલનમાં, તો આપણે શું કરીશું? પહેલાં તો એને ઇન્ટિગ્રેશન કહી દો, આઈ બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 3x² છેદમાં x^6+1। હવે x^6 એને આપણે એક્સની 3 અને 2 એવું કહી શકીએ, 3 2 6 થાય ને, એટલે તો એક્સની 3 તરીકે કંઈક ધારી શકીએ। तो ऊपर धारी तो सेट थाय छे कि नहीं पण जोवानुं मित्रों, तो थाय छे कि एक्स नी 3 ઘાતનું विकलन केलुं थाय 3x² ए dx जोड़े सेट थई जशे। तो जो आ 3x² dx जोड़े सेट थाय छे, तो शुं धारीए छे? धारो कि x नी 3 ઘાત बराबर शुं धारी लेवाना, t। तो एनुं विकलन करीए मित्रों, इम्प्लाय जुओ x ની 3 ઘાતનું 3x² અને x નું કેલું dx અને t નું આ બાજુ કેલું થશે મિત્રો? dt થશે। therefore i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 3x² dx અને x ની 3 ને 2 કરી શકાય, 6 એટલે x ની 6 ઘાત છે, તો x ની 3 ની જગ્યાએ t મૂકાઈને એનો સ્ક્વેર થઈ જાય। આ 3x² dx તો dt જ થઈ ગયું, અહીંયા છે જ, એટલે t² + 1 થઈ જાય। હવે આપણી પાસે આ સૂત્ર તો છે જ મિત્રો, 1/t² + 1 dt, તો tan ઇન્વર્સ t થાય છે। આ સીધું સૂત્ર છે, 1/x² + 1 બરાબર શું થાય છે મિત્રો? tan ઇન્વર્સ x બરાબર ને, એનું જ વિકલન છે, tan ઇન્વર્સ નું વિકલન ના થાય, અને પ્લસ c। હવે t ધારેલા એ મૂકી દો, શું છે? x³, તો આ આપણું i મળી ગયું। ઓકે, તો સંકલનમાં આપણે આટલું જ છે, વધારે કશું છે નહીં મિત્રો। ઓકે, હવે જોઈએ નેક્સ્ટ। હા, આમાં આપણે આ સૂત્ર યુઝ કરીશું, ધ્યાન રાખજો। સૂત્ર તમને પહેલાં અહીંયા નોટ કરાવું છું, આ ઇન્ટિગ્રેશન્સ 1/a² + x² dx, એના બરાબર શું છે મિત્રો? તો એના બરાબર છે log(x+)√a² + x² અને પ્લસ c, એવું છે મિત્રો, આવું છે બરાબર છે। તો એ પણ છે ને, અહીંયા આદેશ પણ લઈ શકાય એવું છે, જે તમે એ યુઝ કરશો તો પણ ચાલશે। આદેશ લીધેલો છે ત્રિકોણમિતિમાં, તો જોઈએ તો કે 4x² છે ને 2x નો પૂર્ણ વર્ગ છે, બનાવી શકાય। તો પહેલાં આઈ કહી દીધા છે ઇન્ટિગ્રેશન 1/4x² વર્ગમૂળમાં, તો આઈ બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન dx/√1+2x² હવે 2x = tan θ લઈએ, તો 2x નું વિકલન 2 તો તેવા જ છે, x નું dx અને sec²θ બરાબર dθ થાય, તો dx/√1/2sec²θ dθ થશે। હવે શું છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો કે આઈ બરાબર છે ને, આ જે 1/2 છે આ બહાર રહી ગયા, dxની જગ્યાએ sec²θ dθ અને આ 2 છે ને આ છે બહાર થઈ ગયા, અને છેદમાં 1/2x ની જગ્યાએ tan²θ। tan²θમાં મિત્રો શું થાય છે કે ઉપર છે 1/tan² એટલે sec² વર્ગમૂળની બહાર આવતા શું થઈ જાય? આ sec θ થઈ જાય ને, તો એક ઉડી જશે, એટલે 1/2 sec θ થઈ ગયા। તો sec θનું સૂત્ર તો ખબર છે મિત્રો, આનું સંકલન શું થાય? ઇન્ટિગ્રેશન sec x dx, તમને લખાયું છે log(sec+tan+c) એવું કરાય છે, તો 1/2 ત્યાં log(sec θ+tan θ+c). તો હવે θ ચલમાં તો ચાલે નહીં, આપણે x ચલમાં કીધું છે મિત્રો।
तो आपने यहाँ थी किंमत मूकी दी, अँ शू करिए थीटा ले वन प्लस टेन स्क्वेर थीटा थी, अने सॉरी सेक थीटा एट्ले आ मूकू सेक थीटा वेल्यू अन टेन थीटा थी वन थी वन, तो टेन थीटा के धारा है मित्रों टू एक्स धारा ने, तो अँ मूकी देना है टेन थीटा जगह टू एक्स, अने वन प्लस अँ टेन स्क्वेर थीटा ले शू थे टू एक्स वर्क करो तो शू थे फोर एक्स स्क्वेर थे मूकी देना प्लस सी संकलन स्थान, एट्ले आ रीतना आप जवाब एन शोधी सकते धारी ने। हम अथवा बीजी रीत आप मित्रों तो हूँ तमने कीधु ये प्रमाण है आपेलू सूत्र डायरेक्ट आगे लखाय आपने एज नोट करवा दीदे जो टू फोर एक्स स्क्वेर है आ फॉर्म में लखी सकते जुओ तो अँ आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस टू एक्स होल स्क्वेर टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो टू डी एक्स डी टी डी एक्स डी टी बाय टू थ तो अपॉन टू डी टी वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेर, तो वन अपॉन टी स्क्वेर प्लस वन स्क्वेर है तो आ एक सूत्र है मित्रों पर लखाए वन बाय टू लॉक टी प्लस टी स्क्वेर प्लस वन प्लस सी, अने आ भी डायरेक्ट सूत्र है ये यूज करायू है आ खास नोट करवा है मित्रों तो ये नोट कर लीजिए, तो बस वन बाय टू टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वेर प्लस वन प्लस सी आई बराबर है। ओके जुए नेक्स्ट एक्जाम्पल, तो विधेयना संकलित मेड़वाना छे आमा आमा टू माइनस एक्स ये बराबर पहला आपने धारी लेशु मित्रों के टू माइनस एक्स बराबर शू धारीशू टी धारी छे इंटीग्रेशन अहीं पहला तो आखा फंक्शन ने मूकी दी इंटीग्रेशन टी एक्स अपॉन अंडर रूट टू माइनस एक्स होल स्क्वेर प्लस वन आ तो बधा रकम जवाय छे मित्रों। हमें टू माइनस एक्स बराबर टी लई लीए तो टू माइनस एक्स बराबर माइनस टी एक्स डी टी बराबर ने आकलन तो टू नु जीरो पहला एक्स माइनस चिन्ह थे एक्स नु डीएक्स टी नु डी टी थे परंतु डी एक्स बराबर माइनस डी टी कर हमें टू माइनस एक्स की जगह टी मूकी एट टी मुकाय तो टी स्क्वेर थी गया डी एक्स की जगह शूँ मूकी माइनस डी टी ने प्लस अँ टी स्क्वेर प्लस वन थी गया। हमें आ तो पेलूँ गयु सूत्र है माइनस ही बार लई लेवा अंदर संकलन थी गयु लॉग ऑफ अँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेर प्लस वन स्क्वेर ए स्क्वेर हो तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर प्लस सी हम टी की जगह धारेली किंमत मूकी दो आग माइनस ही आई गए तो आ थी गयु संकलन। हवे शूँ कि माइनस घात है आ माइनस वन कहवाई गुणाकार में जोड़े ए अँ जाए तो आखा स्टेप में माइनस वन घात थे तो एक छेद में आए मित्रों बराबर तो लॉग ऑफ वन अपॉन टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वेर प्लस वन प्लस सी आ संकलन थे आ दाखिल टू माइनस एक्स टेन थीटा आदेश लैने पर गणी सके तो ये मित्रों टेन थीटा आदेश वालों से तमारा होमवर्क में है। ओके तो ये डू योर सेल्फ होमवर्क में तमारे गणवानुं रहेशे। ओके नेक्स्ट जोईए तो अहींया बहुत सहेली रीते छे मित्रों एक सूत्र याद कराऊं छुं तमने इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स तो ये शू छे साइन इनवर्स एक्स बाय ए अहींया पण सूत्र लखेलू छे मित्रों आ रह्यू आ सूत्र है ये उपयोग थानू है बस अपने शू करे ये ध्यान रखे कि आना जो बना तो अपने शू कराए कि पच्चीस बार काढ़ी शक पच्चीस वड़े भागी शक मीन्स के अंदर पांच वड़े गुणो अंदर जैसे अँ शू कि बार पांच वड़े गुणो अंदर पांच एट वर्ग कर पांच पच्चीस वड़े भागव पड़े ने पांच ना वर्ग एट तो અહીંયા એ થયું તો અહીંયાથી પચીસ પચીસ કેન્સલ થાય અહીંયાથી નવના છેદમાં પચીસ આવે એટલે પેલું શું થાય નવના છેદમાં પચીસ એટલે ત્રણના છેદમાં પાંચનો વર્ગ થઈ જાય અને આ છે પાંચ એકના છેદમાં પાંચ બહાર આવશે અને ડી એક્સ અને માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર તો આઈ બરાબર આ પેલું સૂત્ર લાગી ગયું આ જે છે બરાબર તો વન અપોન આપણે વન બાય ફાઈવ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ બાય થ્રી એ છેદમાં મૂકવાના એટલે એ તરીકે અહીંયા ત્રણના છેદમાં પાંચ છે પાંચ છેદના છેદમાંથી અંશમાં જતા રહે એટલે એવું પણ કહેવાય કે આઈ બરાબર વન અપોન ફાઈવ સાઇન ઇન્વર્સ ફાઇવ એક્સ બાય થ્રી
प्लस सी एटले आ फाइव अंश में तमे लई जई शको। ओके मित्रों, तो आ रीतना आपने गणी शकीए। ओके, तो जे छे नेक्स्ट बीजा एक्जाम्पल्स आपीए छे मित्रों तमने होमवर्क में। तो जे थशे तमने होमवर्क में आमा आदेश शुं लेशुं आपने, तो कि एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू टी आदेश लेवानो छे। आ टू बार कॉमन काढ़ेला है थ्री बाय टू तरीके, एटले थई जशे तमारे। ओके मित्रों, नेक्स्ट आपण तमारे एक्स नी त्रण घात बराबर टी होमवर्क छे, आगळ गईनो छे एक प्रमाणे। परंतु सूत्र तमारुं क्यूँ लागशे, अहींया यूज करेलू छे। जीवो मित्रों, आ लागशे सूत्र, थोड़ो व्यवस्थित अभ्यास करीने गणवानुं छे। ओके, तो अहींयाथी आपणे गणीशुं नेक्स्ट लेक्चरमां। ओके मित्रों, मळीए नेक्स्ट लेक्चरमां। जय स्वामीनारायण।